हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ फोर्स, दैट मीन्स सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। मेनली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल सेकेंड टू डायमेंशनल या इसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। थर्ड होता है थ्री डायमेंशनल या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। वन डायमेंशनल फोर्स, देर आर टू टाइप्स, इन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। वन डायमेंशनल फोर्स क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। क्या हुआ कि जो फोर्स होगा वो एक ही पॉइंट, एक ही लाइन में एक्ट करेगा, सिंगल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे अगर फोर्स लग रहा है F1, F2 एंड F3, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, फोर्स एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन। डायरेक्शन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन फोर्स सिस्टम। सेकेंड है कोप्लेनर फोर्स। देर आर फोर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलिनियर फोर्स, सेकेंड कॉन्करेंट फोर्स, थर्ड पैरेलल फोर्स। पैरेलल, देर आर टू टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक फोर्स। नेक्स्ट, नॉन कॉन्करेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल भी बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल को हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। देर आर थ्री टाइप्स, कॉन्करेंट, लेकिन हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेकेंड पैरेलल अगेन टू टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक,
लाइक एंड अनलाइक. थर्ड नॉन कंकरेंट. नॉन कंकरेंट ये होता है नन कोप्लेनर का टाइप्स होता है. अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग ने क्या देखा कि सिस्टम ऑफ फोर्स देर आर थ्री टाइप्स, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम क्या होता है कि द फोर्स एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम. फोर्स हमारा जो है एक ही लाइन में एक्ट करेगा. डायरेक्शन क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. अब हम बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स. इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन. वैसा फोर्स जो एक ही प्लेन में लाई करता हो दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. एक ही प्लेन में. नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होगा कि वैसा फोर्स जो एक प्लेन में लाई नहीं करता हो. इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. अब हम बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स. देर आर फोर टाइप्स, कॉलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल. कॉलिनियर फोर्स, कोप्लेनर कॉलिनियर फोर्स. तो हमारा क्या होगा, प्लेन जो होगा सेम प्लेन में लाई करेगा लेकिन फोर्स हमारा एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन. इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन बट फोर्स एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं सिंगल लाइन, जैसे अपन एग्जांपल बात करें तो टग ऑफ वार गेम. टग ऑफ वार गेम में क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो प्लेन क्या होगा, हमारा सेम प्लेन होगा लेकिन प्लेन तो हमारा सेम होगा लेकिन फोर्स एक्ट अलोंग ए सिंगल लाइन. ये हमारा जो है इस तरीके से, ये भी हो सकता है डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है. ये हमारा क्या है, ये फोर्स यहां पे लग रहा है एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव. ठीक है, कितना यहां पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि कॉलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है. अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट फोर्स. ठीक है, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स. कि इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन बट फोर्स एक्ट अलोंग ए सिंगल पॉइंट. कॉन्करेंट मतलब फोर्स जो होगा एक ही प्लेन में लाई करेगा और एक ही पॉइंट से पास करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट. ठीक है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स. तो इसका अगर अपन हम एग्जाम्पल ले तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि कॉन्करेंट का अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कॉन्करेंट का कि हमारा फोर्स जो होगा वो एक ही प्लेन में लाई करेगा और एक ही पॉइंट से पास करेगा. दैट मीन्स अगर हम बात करें कि अगर हमारा ये हमारा प्लेन है एक्स और वाई प्लेन है. ठीक है, एक प्लेन हो गया एक्स वाई. अब यहां पे फोर्स जो होगा एक ही पॉइंट से पास करेगा. तो यहां से ये हमारा एफ वन लग रहा है फोर्स, तो यहां पे हमारा एफ टू लग रहा है. ठीक है, जो भी है हमारा एफ थ्री लग रहा है ये. ठीक है, या इसको हम अपन ऐसा ले सक लिख सकते हैं कि F1 फोर्स लग रहा है एक ही पॉइंट से पास करेगा, है ना, एक ही पॉइंट से पास करेगा F1, F2, F3. तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स. अब हम बात करते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स का. पैरेलल फोर्स क्या होगा कि इन दिस सिस्टम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन एंड फोर्स पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, हमारा जो है अगर क्या होगा कि अगर कोई यहां पर कोई भी ले लीजिए आप, ये मान लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आर ए और यहां पे रिएक्शन लग रहा है आर बी. ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स. पैरेलल के अंदर भी देयर आर टू टाइप्स, लाइक और अनलाइक. तो यहां पे क्या होगा कि प्लेन हमारा सेम होगा, एक ही प्लेन में लाइक करेगा एंड फोर्स पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन. तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर पैरेलल लाइक फोर्स. मतलब हमारा यहां पर फोर्स जो होगा वो लाइक इस तरीके से करेगा. यहां पे फोर्स अगर हम बात करते हैं एफ वन है, ये हमारा एफ टू है और ये हमारा एफ थ्री है. ठीक है, इस तरीके से. तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये बीम है. ये एग्जांपल किसका हो गया, कोप्लेनर पैरेलल लाइक फोर्स.
कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्स क्या हो जाएगा कि इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, अगर फोर्स यहां पे इस तरीके से लग रहा है तो एक फोर्स वाले एक या दो कुछ कितना भी हो सकता है, यहां पे डायरेक्शन इसका क्या कर दिया मैंने, अपोजिट कर दिया। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, पैरेलल होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, इन डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, अपोजिट होगा फोर्स का, दैट इज कॉल्ड, ये किसका एग्जांपल हो गया, कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल, कि हमारा क्या होगा कि प्लेन क्या होगा कि इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑल फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन बट यहां पे क्या है, नॉन कंकरेंट है बट डू नॉट फोर्सेस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, प्लेन एक होगा बट हमारा फोर्स जो होगा एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, हमारा जैसे अगर हम बात करते हैं यही है, ठीक है, यहां पे एक्स है और ये वाई है, तो हमारा फोर्स जो होगा एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, कोई इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, अगर एफ वन ले लें, यहां पे एफ टू ले लें, यहां पे एफ थ्री ले लें फोर्स, तो एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, तो एग्जाम्पल किसका हो गया, ये हमारा नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स का हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का, या उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर बोलते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स डू नॉट लाई ऑन द, है ना, सेम प्लेन, फोर्स जो होगा हमारा वो एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड, उसमें क्या होगा, थ्री डायमेंशनल होगा, एक्स वाई जेड, है ना, एक प्लेन से क्या होगा, एक प्लेन में नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, है ना, थ्री डी है यहाँ पे, ये होता है उसके अंदर जो होता है ये है हमारा क्या है, कॉनकरेंट फोर्स। फर्स्ट हमारा नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स, तो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स जो होगा वो इसके क्या होगा कि इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन बट फोर्सेस आर एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, फोर्स तो हमारा क्या होगा कि थ्री डायमेंशनल के अंदर हमारा क्या होगा कि प्लेन तो डिफरेंट होगा लेकिन एक ही पॉइंट से पास करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे कि यहां पे x हो गया, y हो गया और ये हमारा क्या हो गया, z हो गया, x y एंड z। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे एक ही पॉइंट से पास करेगा, एक फोर्स हमारा ये लग रहा है f1, ये फोर्स हमारा f2 लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स हमारा f3 लग रहा है, ये एग्जांपल किसका हो गया, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन कोप्लेनर पैरेलल, नॉन कोप्लेनर पैरेलल इसके अंदर भी है लाइक और अनलाइक फोर्स। तो नॉन कोप्लेनर तो अभी हम लोग ने सीख लिया कि क्या होता है कि हमारा प्लेन जो होगा ये सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा लेकिन वो फोर्स क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो है, देखो ये हमारा क्या है, एक्स है, वाई है और ये हमारा जेड है। ठीक है, पैरेलल क्या होगा कि प्लेन तो हमारा डिफरेंट हो गया लेकिन फोर्स जो होगा हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइक फोर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन सभी का क्या होगा, फोर्स का, अगर ये हम बात करें एफ वन फोर्स लग रहा है, एफ टू लग रहा है और एफ थ्री लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, एफ फोर लग रहा है, तो सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एफ फाइव ले लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा लेकिन यहां पर प्लेन क्या है, सेम प्लेन नहीं है, डिफरेंट प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने ले लिया यहां पे, एक्स वाई या वाई जेड, जेड एक्स प्लेन, है ना, ये मैंने ले लिया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन कोप्लेनर पैरेलल लाइक फोर्स। अगर इसी हम बात करते हैं कि नॉन कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्स का, तो अनलाइक फोर्स में क्या होगा कि यहां पे प्लेन तो डिफरेंट होगा बट यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट मींस अगर हम इसकी बात करें, अगर एक फोर्स ऐसा लग रहा है तो ऐसा भी लग सकता है, एफ थ्री अगर एफ फोर ले ले, या ऐसा भी डायरेक्शन हो सकता है, यहां पे एक पैरेलल टू ईच अदर है बट डायरेक्शन यहां पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया, F1 ऐसा, है ना, एक डायरेक्शन ऊपर भी हो रहा है, एक डायरेक्शन नीचे भी हो रहा है, पैरेलल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और प्लेन क्या है हमारा, डिफरेंट है। तो किसका एग्जांपल हो गया, नॉन कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्स, दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, या उसी को बोल सकते हैं हम लोग नॉन कोप्लेनर
नॉन पैरेलल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल भी बोलते हैं, नॉन कंकरेंट को नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। अब यहां पे इसका क्या एग्जांपल होगा, प्लेन डिफरेंट होगा, क्योंकि हम अब स्टडी जो कर रहे हैं नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हैं, प्लेन डिफरेंट होगा बट नॉन कॉन्करेंट है, मतलब हमारा जो फोर्स होगा वो एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, प्लेन भी डिफरेंट और हमारा जो फोर्स है वो भी एक पॉइंट से पास नहीं, नॉन पैरेलल होगा। दैट मींस द एग्जांपल कैसा होगा इसका, अगर एग्जांपल की हम बात करें तो यहां पे देखिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, प्लेन डिफरेंट हो गया, प्लेन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन हो गया। अब मेरा फोर्स भी होगा वो क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा, एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई फोर्स ऐसा लगेगा, F1 फोर्स लग रहा है, कोई ऐसा लग रहेगा, F2 लग रहा है, ठीक है, F3 नहीं है, क्या है नहीं है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल भी नहीं है, लाइक भी नहीं है, अनलाइक भी नहीं है, ठीक है। एक फोर्स ऐसा भी लग सकता है अपना F F5, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट और नन कोप्लेनर नॉन पैरेलल, ये एग्जाम्पल हो गया। प्लेन हमारा डिफरेंट हो गया, फोर्स भी हमारा पैरेलल नहीं है, ये एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स का। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।